इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लाख 78,000 वोटों ने मिला था। जाकिर हुसैन बीएसपी की टिकट पर थे, जो इस बार इनेलू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 1,93,000 के वो आसपास उन्होंने वोट लिया था। सुधा यादव जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी 2009 में, 1,25,000 वोट ले गई थी। और नरवीर सिंह जो इस वक्त बीजेपी में है, वो 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस में हुआ करते थे और 1,17,000 वोट वो भी ले गए थे। यानी ये 2009 के आंकड़े हैं लोकसभा के, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अनुज जी, इस बार हम आप पर आना चाहेंगे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के मामले में। गुड़गांव में तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल का इलाका कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण इलाका इसे माना जाता है। राव इंद्रजीत यहां के कद्दावर नेता, जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार वो बीजेपी की टिकट पर है, मोदी की लहर पर सवार है। राव धर्मपाल जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो ताल ठोंक रहे हैं। जाकिर हुसैन जो पिछली बार बीएसपी का आप खुद ही देख रहे थे, अच्छा खासा वोट ले गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, वो इनेलो की टिकट पर है। योगेंद्र यादव जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, 20-25 साल का उनका सफलिज्म का तजुर्बा है, वो खुद यहां ताल ठोंक रहे हैं। और बीएसपी ने यहां धर्मपाल सिंह कोटा पर हाथ आजमाया है, कैसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, यहां नेता जितनी जल्दी पार्टियां बदलते हैं उस पर, जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो पिछली बार बसपा टिकट पर लड़े, लेकिन बसपा के नहीं थे वो, जो वोट वहाँ वो मिले वो जाकिर हुसैन के बहुत सारे वोट थे। वो साहब 1999 में फरीदाबाद में कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, यानी उनका ट्रांजिशन बहुत बहुत गहरा और बहुत लंबा हुआ है। एक बात तो ये है, दूसरी बात देखिए, गुड़गांव, अब वो गुड़गांव जिसको आप 10-15-20 साल पहले की राजनीति में देखते होंगे, वैसा उस नजरिए से देखेंगे तो चूक जाएंगे। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, जब परिसीमन हुआ 2001 की जनगणना पर जी, तो फतेहाबाद वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी 282,000 आबादी की, और उस समय गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आबादी है वो 233,000 की थी, यानी बहुत वेरिएशन था। और दूसरी बादशाहपुर की यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें जो भी शहरी इलाका काफी अधिक उसके अंदर है, उसकी आबादी 261,000 की थी, यानी फतेहाबाद से 20-21,000 कम वहां की आबादी थी। लेकिन आज की तारीख में जो नई वोटर लिस्ट है उसमें 308,000 वोटर, और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बादशाहपुर की हो गई है, और दूसरे नंबर पर गुड़गांव हो गई 288,000 पे। यदि हम सोहना को देखें, सोहना में आबादी 2001 में गुड़गांव विधानसभा से अधिक थी, 253,000 थी सोहना में, जबकि 233,000 थी गुड़गांव में। ये आबादी है, अब मैं वोटर पे आता हूँ। आज सोहना में वोटर हैं 188,000 और गुड़गांव में 288,000। माने आप अंदाज लगाइए कि गुड़गांव और बादशाहपुर में ये जो नया वोटर है, जो बाहरी वोटर है, जो युवा वोटर है, क्योंकि वहां पे सब आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या इस तरह के प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं, इनके पीछे ये जाति या बैगेज नहीं है कि भाई यादव को वोट देना है या जाट को वोट देना है, ये वो एक नई सोच का युवा है। और इस कारण से जो पिछले 5 साल में जो यहाँ 5 लाख नया वोटर है, यानी 12 लाख से बढ़कर के 18 लाख, तो ये जो नया वोटर है फरीदाबाद की तरह, वो यहाँ भी बहुत महत्व रखने वाला है। अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत सिंह और योगेंद्र यादव, ये मैं पहले कहता, यादव होने के नाते योगेंद्र यादव बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं और बढ़ा हुआ गुड़गांव जो है 6 लाख नया वोटर, उसमें बड़ा चंक आम आदमी पार्टी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन बेस जो है, यदि यादवों में देखें तो वो एकदम लगभग राज परिवार जैसी हालत है राव इंद्रजीत सिंह की, इसलिए जो ग्रामीण यादव वोट हैं उसमें योगेंद्र यादव बहुत मेहनत करके, पिछले 2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप रोज ट्विटर पर और फेसबुक पर उनके मैसेजेस देख रहे होंगे, लेकिन उतनी मेहनत भी शायद उनके पूरे काम नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि ग्रामीण हिस्से की जो जड़ता है, सामाजिक जड़ता, वो बहुत जल्दी नहीं टूट पाएगी। शहरी इलाकों में जरूर योगेंद्र यादव अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन ग्रामीण की तुलना में वहां से राव इंद्रजीत को जो बढ़त मिलेगी वो उनको विजय की ओर ले जाएगी। ये आपने योगेंद्र यादव और राव इंद्रजीत की सर बात की, ये इंडियन नेशनल लोकदल पे मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि शहरी इलाके में टक्कर देंगे इन दोनों यादवों के बीच होने वाली है, जिसमें बढ़त फिर भी मैं कहूंगा कि राव इंद्रजीत शहरी क्षेत्रों में ले सकते हैं, और ग्रामीण हिस्सों में
वहां इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ताकतवर है, जो अभी 9 विधायक हैं उनमें 4 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, और फिर जाकिर हुसैन के अपने वोट जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि जाकिर हुसैन दूसरे स्थान पर रह जाएं और योगेंद्र यादव तीसरे स्थान पर चले जाएं। यानी यहाँ जो मुकाबला आपके मुताबिक बन रहा है वो बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के बीच बन रहा है। जी, पहले और दूसरे पे तो मुझे लगता है कि बीजेपी और इनेलो है। ठीक है, मनमोहन जी, आपके मुताबिक गुड़गांव में सर क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि बेसिक बात जो है वो ये है कि जो नए वोटर आए हैं, जो हरियाणा के नहीं हैं, उनका रुख क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों ही आहिर हैं। ठीक है, बीजेपी का भी आहिर है, अच्छा, और आम आदमी पार्टी के भी यादव हैं, वही आहिर हैं, और राव धर्मपाल जो है वो भी आहिर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट, कांग्रेस के जो हैं, तो इसलिए वो तो जो आहिर वोटर वो तो डिवाइड करेगा। और ये जो बाहर के वोटर हैं वो मेजर फैक्टर है, और एक मेजर फैक्टर इस एरिया का ये है कि 3.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट इसलिए जाकिर साहब को मिल सकते हैं कि वो फील्ड में एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है, और जो पिछली बार एक चंक जो जाता था राव इंद्रजीत को मुसलमान वोट का, वो इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि वो तब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यादव भी तो सलीम है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस बार, चूंकि राव इंद्रजीत बीजेपी के टिकट पर है, लिहाजा वो मुस्लिम वोट वहां नहीं जाएगा। और हाल में ही जो एक पंचायत हुई है मेव की, उन्होंने ये कहा है कि साहब हम जो है सपोर्ट करेंगे जाकिर को। अच्छा, पंचायत में तय हुआ, पंचायत में ये तय हुआ है। और योगेंद्र यादव ने वहां कोशिश की और थोड़ा कॉमनल कार्ड भी खेला, यहां तक कहा कि साहब अगर मोदी जी आ गए तो आपको जितनी आपकी जायदाद वगैरह है वो आपको हाथ धोना पड़ेगा, उसकी कंप्लेन भर बहुत अलग बात है, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि योगेंद्र यादव बाहर कुछ भी हो, मगर कोई हरियाणा में और स्पेशली गुड़गांव में वो कभी एक्टिव नहीं रहे हैं। और जो सारी पॉलिटिक्स है गुड़गांव की, वो बेसिकली इसको कंट्रोल करती रही है ये जो रेवाड़ी की ये राव वरिंदर सिंह की फैमिली है, जिसके इंद्रजीत जी प्रतिनिधि है। तो ये जो है ये फैक्टर होगा, मुझे ये लगता है कि मैं इनसे सहमत हूँ कि नंबर 1 पर इंद्रजीत रहेंगे, नंबर 2 पर जाकिर रहेंगे, नंबर 3 पर योगेंद्र यादव आ सकते हैं। यानी आम आदमी पार्टी को आप भी नंबर 3 पर रख रहे हैं। हाँ जी, और धर्मपाल नंबर 4 पर आए शायद। ठीक है अजय जी, संक्षेप में सर गुड़गांव की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? हम दो तर्क जरूर जानना चाहेंगे यहाँ सर, क्या गुड़गांव में कोई अप्रत्याशित नतीजा आ सकता है? क्या योगेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतकर कोई चमत्कार कर सकते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति मानते हैं? एक, और जिस तरह से यादव वोट यहाँ डिवाइड है, इसका फायदा क्या जाकिर को मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछली बार वो सेकंड नंबर पर रहे थे, खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और मनमोहन जी खुद भी ये जिक्र कर रहे थे कि पंचायत में इस तरह से डिसीजन हुआ है कि मुस्लिम वोट एक तरफ जाए। ये जो सारे फैक्टर हैं, ये किस तरह से काम करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव, मैं जो देख रहा हूं, मैं इसमें ये आपका जो पहला सवाल है कि योगेंद्र यादव को फायदे की बात, यदि केजरीवाल ने दिल्ली में इस्तीफा दे करके, और वो सही अर्थों में कहें जो पब्लिक कहती है कि भागे ना होते दिल्ली, जो योगेंद्र यादव की स्थिति है वो स्ट्रांग होती, क्योंकि राव इंद्रजीत से लोगों की इस नाराजगी थी कि वो पब्लिक कुछ का खा सकते थे। अच्छा, तो राव इंद्रजीत के साथ में ये प्रॉब्लम इस कारण से आज की डेट में पीछे पड़ गई है, मतलब छोटी हो गई है, क्योंकि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के भगवे रंग का उन्होंने एक तो चोला ओढ़ लिया है, जिसकी लहर चल रही है मोदी लहर के नाम से। दूसरी चीज ये है,
कि जो अप्रत्याशित नतीजे आ सकते थे उसको इन्होंने योगेंद्र यादव ने कमजोर कर दिया केजरीवाल के कारण से। नंबर तीन ये है, उनका प्रत्याशी है वो एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी है। 2009 में यह सीट जब का परिसीमन हुआ और उसके बाद में जो नई तस्वीर उभर के आई उसमें सबसे बड़ा एक वोट बैंक जोड़ा इंपॉर्टेंट है जो एक मुस्त जाता है वो मेवात साइड का वोट है और वो निश्चित रूप से इनेलो को मिल रहा है। तो इनेलो को दोहरा फायदा हो रहा है कि एक तो इनेलो का अपना जाट वोट और साथ में मेवात का इलाके से जो मुस्लिम वोट। इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।